Students, today we will do some examples before exercise 7.5. Okay, first fifth example is if y is equals to sine inverse x upon under root 1 minus x squared, then prove that this. It means what you have to do, you have to find dy by dx. Okay, so आप ये स्टेटमेंट देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने की बजाय आप क्या करो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई मींस आप क्वेश्चन रूल को अवॉइड करके प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए. जब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, अप्लाई द प्रोडक्ट रूल. यहाँ पर आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई मीन्स डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स. आई होप यू ऑल हैव लर्न प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ वाई एज इट इज वट इज डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स, दैट इज 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, और एक्स के प्लेस पर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 0 माइनस 2x, सो दिस इज माइनस 2x एंड प्लस दिस थिंग एज इट इज दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसको भी इसको राइट में रहने देते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और जब आप यहाँ पर ये क्या लेफ्ट है आपके पास, इसको दोबारा से लिख लीजिए माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अब हम क्या करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को या फिर आप ये कि हम एलसीएम ले लेते हैं, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे सो इट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट होकर कितना बन जाएगा 1, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो. और इसको कैसे, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, दिस विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और ये माइनस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, दैट इज वट यू हैव टू प्रूव. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 9th. You are given, you have to find dy by dx at x is equals to 1 and y is equals to pi by 4 if sin square y plus cos of xy is equals to k. तो आपको क्या given है यहाँ पर, sin square y plus cos of xy is equals to k. k क्या है यहाँ पर, constant. आपको पहले क्या निकालना, dy by dx. तो पहले हम इसको differentiate कर लेते हैं, ये कौन सी form है, sin of y का whole square means fx raised to the power n. तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, n, इससे पहले आप लाइन लिखोगे डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, देन 2 साइन ऑफ y इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन y प्लस यहां पर cos ऑफ fx का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ fx इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ fx मीन्स डेरिवेटिव ऑफ xy, और यहां पर k का डेरिवेटिव 0 बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट. So, now this is 2 sin y and derivative of sin y is cos y into y ka derivative dy by dx and minus sin of xy into product rule again x as it is y ka derivative dy by dx plus y as it is or x ka derivative 1 aa jayega is equals to 0. This is 2 sin a. cos a is sin 2a means this is sin 2y into dy by dx and minus this is x into sin of xy into me dy by dx. This is angle of sine and पहले इसको इसके साथ आपने multiply किया, next इसके साथ करेंगे, this is minus y into साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0. अब इन दोनों में से क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, इट इज साइन ऑफ 2y माइनस दिस इज x साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये राइट साइड में जाएगा, इट विल बी 1 साइन y साइन
एक्स वाई, और यहाँ से आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज वाई साइन ऑफ एक्स वाई अपॉन साइन ऑफ टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। बट हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू किस पॉइंट पर निकालनी है, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू वन एंड वाई इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर। सो यूजिंग दीज वैल्यूज इन अबव क्वेश्चन यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y के प्लेस पर पाई बाई फोर इंटू साइन एक्स इंटू वाई, पाई बाई फोर इंटू वन मीन्स साइन पाई बाई फोर अपॉन साइन टू वाई, टू वाई मीन्स पाई बाई टू हो जाएगा, एंड माइनस एक्स की वैल्यू फिर से वन एंड साइन ऑफ एक्स वाई मीन्स अगेन पाई बाई फोर। सो इट विल बी पाई बाई फोर, साइन फोर्टी फाइव इज वन बाई रूट टू, सो दिस इज वन अपॉन रूट टू हो गया। और यहाँ पर अब हम ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं, साइन फोर्टी फाइव साइन नाइन्टी इज वन माइनस एंड साइन फोर्टी फाइव दैट इज वन बाई रूट टू, सो दिस इज पाई अपॉन फोर रूट टू, और इंटू में एलसीएम जब आप लोगे अंडर रूट टू माइनस वन और अपॉन में अंडर रूट टू, इस अंडर रूट टू से ये टू कैंसिल हो गया। और आपको पता है जब भी अंडर रूट वाली टर्म्स डिनोमिनेटर में आती हैं तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, तो हमने ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सो दिस इज पाई इंटू अंडर रूट टू प्लस वन अपॉन फोर, ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस इज पाई अंडर रूट टू प्लस वन अपॉन फोर, टू माइनस वन मीन्स वन एंड नो नीड टू राइट इट। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल नाइन हो चुका है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल टेन, इसमें आपको क्या गिवन है, एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस वाई, और प्रूफ क्या करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स इज टू माइनस एक्स अपॉन वाई। तो आप इसमें क्या करने वाले हो, क्या कर सकते हैं, लोग हम अपॉन एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई दिस इज लॉग एम माइनस लॉग एन, साइड में मैंशन कर दीजिए लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एन। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन रूल लगेगा यू बाई वी रूल, दिस इज डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस एक्स एज इट इज एक्स माइनस वाई, मीन्स एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एंड दिस इज लॉग ए इज कॉन्स्टेंट सो इट्स डेरिवेटिव इज जीरो माइनस लॉग ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एफ एक्स इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वाई, एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स। सो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर टू पावर्स और यहाँ पर वन, ये कैंसिल हो गया, और इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एंड दिस इज एक्स माइनस वाई माइनस, इस एक्स को इसके साथ करेंगे तो माइनस का एक्स आएगा, और माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू, ये जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा इट विल बी माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई, और इंटू में क्या है वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब जब आप इसको ओपन करोगे दिस इज एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ फिर से आप ओपन करोगे माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर आप देख रहे हो कैंसिल हो चुका, और ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म हम इस साइड में ले आते हैं, दिस विल बी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, दिस इज एक्स और ये इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स माइनस का हो जाएगा और वाई प्लस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई एंड दिस इज माइनस वाई, राइट साइड में जाकर ये क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, सो दिस इज एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो चुका, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू वाई और अपॉन में ये वाला वाई जाने वाला है,
So this is 2y upon y is plus 1 and iska denominator separate karoge minus x upon y. So ye aapka dy by dx aa chuka. Next is example 12. 12 example mein aapko kya given hai? X under root 1 plus y plus y under root 1 minus x. Ye aapko 0 ke equal given hai. Aur aapko proof ye karna hai. Dy by dx is equals to minus 1 upon 1 plus x square. देखो आप यहाँ पर सिर्फ 2 ही टर्म्स और दोनों में क्या है अंडर रूट इन्वॉल्व है तो आप करने को डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हो और दूसरा मेथड क्या है दिस इज प्लस दूसरा मेथड क्या है आप इसको राइट साइड में ले जाकर इसका स्क्वायर कर देते हो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपने क्या किया x अंडर रूट 1 प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस y अंडर रूट 1 प्लस x देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यू विल गेट x square into 1 plus y square root cancel ho gaya and this is y square into 1 plus x ab aap kya kar sakte ho isko differentiate bhi kar sakte ho lekin usse bhi zyada acha hai ki aapko dikh raha hai ki kuch terms common aake simplify kar sakte hain hum isko to humne isko andar multiply kiya this is x square plus x square y aur jab isko idhar lekar aayenge it will be minus y square and minus xy square is equals to 0 right side ki terms ko hum लेफ्ट साइड में लाकर ले आ चुके हैं अब इन दोनों को कम इकट्ठा लिख लीजिए दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो अब आप क्या भी कर सकते हो इन दोनों में से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और यहाँ से आप एक्स और वाई दोनों कॉमन ले सकते हो तो जब आपने कॉमन लिया वट इज लेफ्ट हैंड साइड दिस इज एक्स एंड माइनस वाई अब आप देखोगे वन टर्म इज दिस एंड अनदर टर्म इज दिस दोनों में एक्स माइनस वाई है तो दोनों में जब हमने एक्स माइनस वाई कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई कॉमन जाने के बाद अंदर कितना लेफ्ट हुआ एक्स प्लस वाई एंड प्लस एक्स वाई अब गिवन स्टेटमेंट क्या है हमारे पास एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई तो देखो प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज जीरो दिस इम्प्लाइज आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो बट एक्स माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो एज एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई तो इसका मतलब क्या हुआ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है अभी भी आप डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो लेकिन उससे पहले आप वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हो तो और आप कैसे भी लिख सकते हो इसको ये एक्स राइट में गया तो माइनस वाई एक्स हो गया और यहाँ से आपने जब वाई कॉमन लिया अंदर क्या बचा वन प्लस एक्स और यू कैन से वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स देखो उसके कितना सिंपल बन चुका है अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो जब आप डेरिवेटिव लोगे इसका यू बाई वी रूल क्वेश्चन रूल क्या कहता है वो माइनस साइन एज इट इज डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर मीन्स एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और वो कितना आएगा फिर से हमारा वन आएगा दिस इज वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन बाहर है आपका वन प्लस एक्स माइनस एक्स एक्स से एक्स कैंसिल दिस इज माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आंसर आ चुका लास्ट एग्जांपल इज 13 आपको क्या गिवन है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी और आपको क्या प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्रूफ करना है ठीक है तो यहाँ आप क्या देख सकते हो डायरेक्ट करोगे तो बड़ा लंबा पढ़ने वाला ना यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन यूज होगी सो वट यू कैन डू इज साइन को उस तरफ ले जाओ तो ये आपके पास क्या बन जाएगा और दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वहाँ पर जाएगा तो वो साइन ऑफ सी हो जाएगा ओके और अब हम इसको क्या कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे यू बाई वी रूल क्वेश्चन रूल लगेगा तो वो क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज
डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर, देखो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई dx माइनस, अब न्यूमिरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू साइन सी, क्या है कॉन्स्टेंट है, सो इट्स डेरिवेटिव इज जीरो, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा जीरो। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, सब में से आप टू भी कॉमन ले सकते हो, जब आप सब में से टू कॉमन लोगे और ये तो राइट साइड में जाके जीरो हो गया, वट इज लेफ्ट, दिस इज टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी टू तो कॉमन जा चुका है यहाँ से, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमने इन दोनों को सॉल्व किया माइनस, अब यहाँ पर फिर हम ब्रैकेट लगा के कर लेते, ये टू दोनों बाहर जा चुके तो ये वाला x इसके इंटू में आएगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, वो राइट साइड में जाकर हमारा जीरो हो चुका। फिर ये टू जीरो के अपॉन में जाके फिर से जीरो हो जाएगा, और अब हम क्या करते हैं dy वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स कंबाइन करते हैं, और dy वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं हम, जब देखो ये भी माइनस का ही किसी को भी लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो हम y को भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमने माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या लेफ्ट होगा, ये माइनस वाई गया तो अंदर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से माइनस ऑफ वाई जब हमने कॉमन लिया अंदर कितना लेफ्ट हुआ प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर। ओके तो ये हमने यहाँ से कॉमन ले लिया डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स, और जो अदर टर्म्स है वो क्या क्या लेफ्ट है हमारे पास, इन दोनों में एक्स है तो इसीलिए हमने एक्स को बाहर रखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका माइनस साइन आएगा जब, तो ये एक्स जा चुका माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको हम राइट साइड में ले जा सकते हैं, सो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये कितना है आपके पास टू एक्स वाई स्क्वायर, बट राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स टू से टू माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना लेफ्ट हुआ एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है एक्स की एक पावर कैंसिल वाई, तो आपके पास क्या लेफ्ट हुआ वाई अपॉन एक्स, और यही आपको शो करना था, यही आपको प्रूव करना था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स हैंस रूट। दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 7.5।